2004 में आई एक इंस्पिरेशनल ट्रू स्टोरी फिल्म को एक्सप्लेन करूंगी, जिसका नाम है समथिंग द लॉर्ड मेड। इसका लूस अनुवाद है ऐसा जैसे भगवान ने बनाया हो। ये एक बायोपिक है जो डॉक्टर विवियन थॉमस की जीवनी कहती है, कैसे सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़े एक आदमी ने मेडिसिन के फील्ड में अपना अनमोल योगदान दिया। फिल्म की कहानी शुरू होती है 1920 के दशक में। उस दौर में अमेरिका में रेसिज्म अपने चरम पर था। यंग विवियन थॉमस एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में कारपेंटर के तौर पर काम कर रहा था। वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट था और कॉलेज के ट्यूशन फी के लिए वो काम कर रहा था। एक दिन उसके सुपरवाइजर उसके पास आकर उस दिन का मजदूरी देकर कहते हैं, तुम काम तो अच्छा करते हो लेकिन मुझे बाकी वर्कर्स को भी सपोर्ट करना है। उनकी फैमिली है वो उसे काम से निकाल देते हैं। अब विवियन का एक फ्रेंड उसे एक नए जॉब के बारे में बताता है जो डॉक्टर अल्फ्रेड ब्लॉक नामक एक यंग सर्जन के लैब में था। डॉक्टर ब्लॉक विवियन से कहते हैं, हम इस लैब में शौक पर रिसर्च करते हैं, पास के डॉग हाउस से कुत्तों को लाते हैं, पहले उन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनकी कंडीशन को स्टडी करते हैं और अपनी रिजल्ट पब्लिश करते हैं। तुम्हें लैब को रोज क्लीन करना होगा, कुत्तों को टाइम पर खाना खिलाना होगा और उन्हें वॉक करवाना होगा। बेसिकली हमें एक सफाई कर्मचारी चाहिए। यहाँ पर शॉक एक बॉडी कंडीशन है जहाँ बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, बॉडी के कई हिस्से को ब्लड नहीं पहुँचता, जिससे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होकर डेथ होता है। एलर्जिक रिएक्शन, ब्लड लॉस, हार्ट फेलियर, ब्लड इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन, पॉइजनिंग, ये शॉक के कुछ कारण है। अब विवियन उस जॉब को ले लेता है। वो लैब में काम करते करते वहाँ पर रखे सारी मेडिकल के किताबों को पढ़ने लगता है। कुछ टाइम बाद हाई स्कूल भी कंप्लीट करता है, लेकिन कॉलेज जाने के लिए अब भी उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो लैब में अपना काम जारी रखता है। डॉक्टर ब्लॉक भी अब उसके इंटरेस्ट को नोटिस करते हैं। कुछ महीने में वो लैब के पूरे एक्सपेरिमेंट्स को अपने आप ही करने लगता है। डॉक्टर ब्लॉक को विवियन की नॉलेज एंड स्किल्स पर पूरा भरोसा हो गया था। वो विवियन को एक व्हाइट कोट देते हैं, जिसका मतलब है वो अब एक लैब टेक्नीशियन है। विवियन इसी बीच क्लारा नामक लड़की से शादी करता है। उसकी लाइफ अच्छी चल रही थी, तभी 29 सितंबर 1929 को अमेरिका का स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, ग्रेट डिप्रेशन शुरू होता है। विवियन ने जिस बैंक में अपना पूरा पैसा रखा था वो डूब जाता है, उसकी 7 साल की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। उसका कॉलेज जाने का प्लान भी अब खत्म हो गया था। विवियन के पिता, भाई हेरोल्ड और बाकी फैमिली मेंबर्स उसे सपोर्ट करते हैं। अगले कई सालों तक विवियन डॉक्टर ब्लॉक के लैब में काम करता है और प्रैक्टिकली वो ही सारे एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करता रहता है। डॉक्टर ब्लॉक के शौक के ऊपर की गई रिसर्च मेडिकल फील्ड में काफी यूजफुल साबित होता है। 1941 के पर्ल हार्बर के हमले के बाद अमेरिका अब आधिकारिक तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध में कूद जाता है। युद्ध में ब्लड लॉस के कारण शौक में गए सैनिकों के इलाज में डॉक्टर ब्लॉक का रिसर्च काम पर आता है। उनको अब अमेरिका के मशहूर मेडिकल रिसर्च हॉस्पिटल जॉन्स हॉपकिंस में चीफ ऑफ सर्जरी का जॉब मिलता है। वो विवियन के साथ अब नैशविल से बाल्टीमोर जाते हैं। उस टाइम बाल्टीमोर सिटी थोड़ा कॉस्मोपॉलिटन था एंड रेसिज्म के लिए बदनाम भी था। डॉक्टर ब्लॉक एंड विवियन फ्रंट डोर से हॉस्पिटल में आते हैं। डॉक्टर ब्लॉक वहां के हॉल ऑफ फेम में रखी सभी महान डॉक्टर्स की फोटोज को एक्सप्लेन करने लगते हैं। वहां पर जॉन्स हॉपकिंस जिन्होंने हॉस्पिटल की शुरुआत की, सर विलियम ऑस्लर, फादर ऑफ अमेरिकन मेडिसिन, विलियम हॉलस्टेड जैसे डॉक्टर्स की फोटोज भी थी। तभी हॉस्पिटल के सिक्योरिटी आकर कहता है कि ब्लैक लोगों को फ्रंट डोर से आना मना है। डॉक्टर ब्लॉक उसे समझाने की कोशिश करते हैं पर सफल नहीं होते। पहले दिन विवियन अपना व्हाइट कोट पहनकर आता है तो सभी लोग हैरान होते हैं। अब तक जॉन्स हॉपकिंस में ब्लैक लोग सिर्फ सफाई का काम करते थे, वहां पर कोई ब्लैक डॉक्टर नहीं था, ना ही ब्लैक टेक्नीशियन था।
विवियन पहला अनऑफिशियल ब्लैक लैब टेक्नीशियन था। क्योंकि उसके पास लैब टेक्नीशियन की डिग्री नहीं थी, इसलिए हॉस्पिटल उसका जॉब कैटेगरी क्लीनर ही रखता है। उसका पे स्केल भी बाकी क्लीनर्स जितना ही था। क्लारा विवियन से शिकायत करती है कि बाल्टीमोर महंगा है, यहाँ एडजस्ट होने में काफी मुश्किल है। विवियन अब थोड़ा और पैसे कमाने के लिए अपने अपार्टमेंट में प्लम्बिंग का काम भी करने लगता है। डॉक्टर ब्लॉक के पार्टीज में वेटर के तौर पर भी काम करने लगता है। ऐसे ही एक पार्टी के दौरान डॉक्टर ब्लॉक की मुलाकात डॉक्टर हेलेन टॉसिक से होता है। डॉक्टर हेलेन पीडियाट्रिशियन थी और उनके पास कई सारे बच्चों के केस थे जो ब्लू बेबी सिंड्रोम से पीड़ित थे। ब्लू बेबी सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों का स्किन कलर ब्लूइश हो जाता है। हीमोग्लोबिन बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। जब ब्लड में हीमोग्लोबिन कम होता है तो स्किन का कलर ब्लू होने लगता है। यहाँ पर हीमोग्लोबिन की कमी का मुख्य कारण है ब्लड में ऑक्सीजन की कमी। ब्लू बेबी सिंड्रोम से प्रभावित बच्चों का हार्ट खराब होता है, यानी उनका हार्ट जन्म से ही नॉर्मल नहीं रहता। आसान भाषा में कहें तो एक नॉर्मल हार्ट में दो पार्ट्स है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। इन दोनों को एक मेम्ब्रेन अलग अलग रखता है। हार्ट बॉडी में ब्लड को पंप करता रहता है। बॉडी से आने वाला सारा ब्लड पहले राइट पार्ट में आता है, वहां से पंप होकर लंग्स को जाता है। जब हम ऑक्सीजन को नाक से लेते हैं तो वो भी लंग्स में ही जाता है। लंग्स में केमिकल एक्सचेंज से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। लंग्स से आने वाला ब्लड हार्ट के लेफ्ट पार्ट को जाता है, फिर हार्ट के लेफ्ट पार्ट से पंप होकर पूरे बॉडी में जाता है। ये प्रक्रिया लगातार चलता रहता है। ब्लू बेबी कंडीशन वाले बच्चों का हार्ट नॉर्मल नहीं होता। इसके अनेक कारण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण है हार्ट के लेफ्ट और राइट पार्ट को अलग रखने वाले मेम्ब्रेन में छेद होना। जब लेफ्ट राइट के बीच छेद होता है तो ब्लड का थोड़ा हिस्सा राइट साइड से लंग्स को जाने के बजाय लेफ्ट साइड को जाता है एंड आगे लेफ्ट साइड से पूरे बॉडी में जाता है। राइट साइड से आने वाले ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता। जब ऐसा ही ब्लड लेफ्ट साइड से पंप होकर बॉडी के अलग अलग हिस्सों में जाता है तो प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। बॉडी को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलता और स्किन ब्लू होने लगता है। ऐसे बच्चे कुछ ही महीने या कुछ साल जिंदा रहते हैं। अब डॉक्टर हेलेन डॉक्टर ब्लॉक को अपना नया रिसर्च इसी विषय पर करने के लिए मजबूर करती है। 1940 तक मेडिकल फील्ड का ये मानना था कि हार्ट पर कोई भी सर्जरी नहीं की जा सकती, क्योंकि किसी भी सर्जरी के लिए हार्ट को 3 मिनट से भी ज्यादा समय तक रोकना होगा, तब तक पेशेंट मर जाता था। अब डॉक्टर ब्लॉक इस नई मुश्किल को एक्सेप्ट करते हैं। डॉक्टर हेलेन को एक ब्लू बेबी का नया केस आया था। मिस्टर एंड मिसेस सिक्सोन की बेबी बच्ची का पूरा बॉडी ब्लू हो गया था। उसके पास ज्यादा टाइम भी नहीं था। अब विवियन एंड डॉक्टर ब्लॉक अपना काम करने लगते हैं। पहले वो एक स्वस्थ कुत्ते में ब्लू बेबी के लक्षणों को लाने की कोशिश करते हैं। बाद में उसके नतीजों को देखकर उसका इलाज ढूंढने का प्लान था। 1943 में अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में था। सभी हॉस्पिटल्स में घायल सैनिकों के ऑपरेशन के केस भी बहुत थे। अब डॉक्टर ब्लॉक इसमें बिजी होते हैं। रिसर्च का पूरा भार विवियन पर पड़ता है। विवियन अब डॉक्टर हेलेन के लैब में रखी ब्लू बेबी बच्चों की हार्ट्स को स्टडी करता है। ब्लू बेबी कंडीशन एक नेचुरल हार्ट डिफेक्ट था। उसे कुत्तों में रिपीट करना आसान नहीं था। लगभग 7 महीने बाद और 200 कुत्तों पर अनसक्सेसफुल ऑपरेशन करने के बाद विवियन को सफलता मिलती है। विवियन कोई वेटरनरी डॉक्टर नहीं था, उसने कई नई मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को इन्वेंट किया, नई सर्जिकल टेक्निक्स को इन्वेंट किया। रोज 12-13 घंटे काम करता था। अब डॉक्टर लॉन्गमोर जो डॉक्टर ब्लॉक के रेजिडेंट था, वो ये सब नई टेक्निक्स को विवियन से सीखने लगता है। इसी बीच विवियन का भाई हेरोल्ड थॉमस उससे मिलने आता है। विवियन को अपने केस के बारे में बताता है। उसने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में एजुकेशन बोर्ड के खिलाफ केस किया था।
तब एजुकेशन बोर्ड व्हाइट और ब्लैक टीचर्स को एक समान सैलरी नहीं दे रहा था। उसका लॉयर लेजेंडरी थरगुड मार्शल थे, जो बाद में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के पहले ब्लैक जज बने। 12 साल तक हेरोल्ड ने उस केस को लड़ा था और अब उस पर फैसला आना था। हेरोल्ड विवियन से कहता है कि उसे इस डेड एंड जॉब को छोड़कर नैशविल वापस आना चाहिए। एक दिन हॉस्पिटल में विवियन को एक सफाई कर्मचारी से पता चलता है कि उसका जॉब क्लासिफिकेशन और सैलरी उतनी ही है जितनी बाकी सफाई कर्मचारियों की है। विवियन गुस्से से डॉक्टर ब्लॉक से कहता है, वो एक लैब टेक्नीशियन का काम कर रहा है, इसलिए उसे उसी हिसाब से सैलरी और रैंक चाहिए, वरना वो जॉब छोड़ देगा। विवियन के पास ऑफिशियल डिग्री नहीं थी। डॉक्टर ब्लॉक हॉस्पिटल के चेयरमैन से बात करके उसकी सैलरी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हॉस्पिटल सारे रूल्स को नजरअंदाज करके विवियन को लैब टेक्नीशियन के तौर पर नियुक्त करते हैं। अब डॉक्टर ब्लॉक ब्लू बेबीज को ट्रीट करने के लिए एक नया मेथड निकालते हैं। हार्ट के लेफ्ट साइड से ऑक्सीजन वाला ब्लड जो पूरे बॉडी में जाता था, उसके थोड़े हिस्से को वापस हार्ट के राइट साइड को भेजने का प्लान था। सिस्टमिक आर्टरी को पल्मोनरी आर्टरी से जोड़ना था एक शंट के सहारे। इससे हार्ट के राइट साइड से ज्यादा ब्लड लंग्स को पंप होगा और बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। विवियन कुत्तों पर ये ट्रीटमेंट आजमाता है। कुछ दिनों के मेहनत के बाद वो सफल होता है। डॉक्टर ब्लॉक को विश्वास नहीं होता कि सच में उन्होंने ब्लू बेबी का इलाज ढूंढ लिया है। वो उस कुत्ते को चेक करके पूछते हैं, विवियन क्या तुमने ये किया है? ऐसा लगता है जैसे भगवान ने किया हो, समथिंग द लॉर्ड मेड। अब डॉक्टर ब्लॉक अपनी सारी रिसर्च डॉक्टर हेलेन से शेयर करते हैं। अब तीनों एक दूसरे कुत्ते पर ये ऑपरेशन करके रिजल्ट को पक्का करते हैं। इस बार डॉक्टर ब्लॉक ऑपरेशन करते हैं। विवियन उनके बगल में रेकर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर एक्सप्लेन करता है। इस बार भी नतीजा पॉजिटिव ही आता है। अब तीनों सेक्शन बेबी पर ऑपरेशन करने के लिए रेडी होते हैं। डॉक्टर ब्लॉक मिस्टर एंड मिसेस सेक्शन को सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन करके उससे जुड़ी रिस्क को भी बताते हैं। वो चर्च के फादर से सलाह मांगकर एंड कोई और उपाय न होने के कारण ऑपरेशन के लिए हामी भरते हैं। ऑपरेशन का डेट था नवंबर 29, 1944। डॉक्टर ब्लॉक के रेजिडेंट डॉक्टर्स डॉक्टर लॉनमोर एंड डॉक्टर कुली ऑपरेशन में मदद करने के लिए आगे आते हैं। हॉस्पिटल के चेयरमैन बाकी डॉक्टर्स ऑपरेशन को देखने ऑपरेशन थिएटर में आते हैं। विवियन डॉक्टर ब्लॉक एंड डॉक्टर हेलेन को ऑल द बेस्ट कहकर चला जाता है। ऑपरेशन टेबल पर सब कुछ रेडी था। डॉक्टर ब्लॉक स्टार्ट करने ही वाले थे, मगर उनका हौसला कमजोर होने लगता है। वो डॉक्टर लॉनमोर को विवियन को ऑपरेशन थिएटर लेकर आने के लिए कहते हैं। डॉक्टर लॉनमोर आकर कहता है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन विवियन को आने नहीं दे रहे है, एस इन वो डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर ब्लॉक गुस्से में ओटी से बाहर जाकर पब्लिक माइक में विवियन को ओटी में आने के लिए आर्डर देते हैं। जब विवियन आता है तो डॉक्टर ब्लॉक उसे उनके बगल में खड़े होकर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं। विवियन भी ऐसा ही करता है, पूरे ऑपरेशन को एक्सप्लेन करता है। जब डॉक्टर ब्लॉक हार्ट के लेफ्ट साइड को राइट साइड से कनेक्ट करते हैं तो बेबी का स्किन कलर ब्लू से पिंक होता है। रूम में सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये दुनिया का पहला सफल हार्ट ऑपरेशन था। सभी लोग सेक्शन के पेरेंट्स, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, स्टाफ चेयरमैन खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। डॉक्टर ब्लॉक विवियन को उसकी अद्भुत स्किल पर बधाई देते हैं। न्यूज़पेपर्स में और लाइफ मैगजीन में इस पर आर्टिकल छपता है, फोटोज छपते हैं। यहाँ सारा क्रेडिट डॉक्टर ब्लॉक, डॉक्टर हेलेन और उनके असिस्टेंट डॉक्टर्स को दिया गया था। विवियन का नाम कहीं पर भी नहीं था, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं था एंड वो एक ब्लैक था। विवियन की वाइफ क्लारा उसे सांत्वना देती है। अब हॉस्पिटल में ब्लू बेबी केसेस की भरमार लग जाती है। विवियन और डॉक्टर ब्लॉक सैकड़ों ऑपरेशंस करते हैं। दुनिया भर के डॉक्टर्स इस नए हार्ट सर्जरी को देखने आते हैं। डॉक्टर ब्लॉक अब ब्लू बेबी ऑपरेशन के सम्मान में रखी एक व्हाइट कॉलर पार्टी में सभी लोगों का आभार मानते हैं।
जिसने उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया था। वो विवियन के प्रति पब्लिकली आभार व्यक्त नहीं करते। वो पार्टी सिर्फ व्हाइट लोगों के लिए था, इसलिए विवियन वहां पर वेटर बनकर चुपके से गया था। वो सारा प्रोग्राम देखता है। उसे बुरा लगता है कि इतने सालों तक डॉक्टर ब्लॉक के लिए काम करने के बाद भी उन्होंने उसे पब्लिकली वो इज्जत नहीं दी जो वो चाहता था। अगले दिन विवियन अपनी जॉब से इस्तीफा देता है। डॉक्टर ब्लॉक कहते हैं कि वो उसे पब्लिकली वो सम्मान नहीं दे सकते जो वो चाहता है, क्योंकि वो व्हाइट ओनली प्रोग्राम था। अमेरिका में रंग भेद हर जगह है, इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। दुनिया ब्लैक लोगों का शोषण करती है, पर वो उसे बदल नहीं सकते। वो विवियन को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, पर विवियन नहीं मानता। अब विवियन मॉर्गन मेडिकल कॉलेज में ऑफिशियली डॉक्टर की डिग्री लेने जाता है, पर एज बार होने के कारण उसे एडमिशन नहीं मिलता। वो अब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करने लगता है। बाकी ब्लैक डॉक्टर्स जिनको विवियन की स्टोरी मालूम थी, वो उसे प्रोत्साहित करते हैं। कुछ टाइम बाद विवियन एंड क्लारा अपने पेरेंट्स से मिलने नैशविल जाते हैं। वहां पर उसका भाई हेरोल्ड भी आया था। कुछ क्वालिटी टाइम बिताकर विवियन क्लारा से कहता है कि मेरा मन अभी भी उस लैब में ही है। मैंने जिंदगी भर सिर्फ वो ही काम किया है, मैं कोई और काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपना पुराना काम फिर से ले लूंगा। विवियन जोन्स हॉपकिंस में डॉक्टर ब्लॉक से मिलकर माफी मांगता है और कहता है कि उसकी लाइफ इस जॉब के बिना अधूरी है, इसलिए उसे उसका जॉब फिर से चाहिए। डॉक्टर ब्लॉक खुशी से उसे वो जॉब देते हैं। कहानी 20 साल आगे बढ़ती है। साल है 1964। अमेरिका में सिविल राइट मूवमेंट अपनी चरम पर था। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने ब्लैक लोगों की बेसिक राइट्स के लिए रेसिज्म के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। धीरे धीरे रेसिज्म हर जगह से जा रहा था। अब हॉस्पिटल में विवियन को फ्रंट डोर से आने दिया जाता था। सिक्योरिटी उसे सलूट भी कर रहा था। विवियन अब हॉस्पिटल के सभी लैब्स का डायरेक्टर था, नौजवान डॉक्टर्स को सर्जरी सिखाता था। डॉक्टर ब्लॉक की हेल्थ भी अब नाजुक थी, वो व्हीलचेयर पर थे। एक दिन डॉक्टर ब्लॉक विवियन से मिलकर इतने सालों तक उसके पक्ष में डटकर खड़ा न रहने के लिए माफी मांगते हैं। उन्होंने ने कभी भी रेसिज्म के खिलाफ पब्लिकली नहीं बोला था, जिसके लिए भी वो माफी मांगते हैं। डॉक्टर ब्लॉक की फोटो भी अब हॉस्पिटल के हॉल ऑफ फेम में था। कुछ दिन बाद उनकी भी डेथ हो जाती है। 1976 में जोन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी विवियन को ऑनोरेरी डॉक्टरेट डॉक्टर ऑफ लॉस की पदवी देते हैं। विवियन एक ऑफिशियल डॉक्टर नहीं था, इसलिए उसने 37 साल तक चीफ सर्जिकल इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम किया। डॉक्टर हेलेन, डॉक्टर लॉनमोर, डॉक्टर कुली और हॉस्पिटल के चेयरमैन विवियन के रिटायरमेंट से पहले उसके लिए एक सम्मान समारंभ रखते हैं। वहां पर उसकी एक पोर्ट्रेट का अनावरण भी करते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर ब्लॉक के पोर्ट्रेट के बगल में ही डॉक्टर विवियन का पोर्ट्रेट भी लगता है। डॉक्टर विवियन थॉमस की डेथ 1985 में होता है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म समथिंग द लॉर्ड मेड की कहानी। लाइफ में डिफिकल्टीज तो आती रहेंगी, मगर कड़ी मेहनत से, लॉयल्टी से, डेडिकेशन से काम करते रहेंगे तो सक्सेस हमेशा मिलेगा। इस एक्सपेरिमेंट के बाद हार्ट पर रिसर्च बढ़ने लगे। अगले 60 वर्षों में हार्ट ट्रांसप्लांट कॉमन हो गया। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।